आप इतिहास उठा लो, गैप एक हफ्ता मैंने इतिहास बनाना है। अच्छा, जीत पे अड़ गए, वो अड़ गए। हरियाणा के इतिहास का सबसे खूनी चुनाव, खूनी चुनाव। उस गुस्से की वजह से जो है ना, लोग लाठियाँ जड़ियाँ लेके निकल गए थे सारे सारे, सामने 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 सामने, और लोग बड़े भैंसी में मारे गए और मर गए। एक किस्म का सारा ही गड़बड़ हो गया। चुनाव लड़ने लगे तो चुनाव वाले दिन जो है ना, 2-3 लोगों ने कई जगह गड़बड़ियाँ कराई। हालांकि कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं थी, वो चुनाव हम जीते हुए थे। मैं ये नहीं कोई आनंद सिंह डांगी जीता तो कंपटीशन था, लेकिन चुनाव कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत जाते हैं। आनंद सिंह डांगी ने फार्म भर दिया, लास्ट तक हम कोशिश करते रहे कि नाम वापस करा दें इसका, और चौधरी साहब से बात करी। अल्टीमेटली डांगी को पंचायत लेके आई रेस्ट हाउस में करना नहीं सर, तक आप एक बार कह दोगे तो नाम वापस करा दें। देखो कितने अड़ियल थे। मैं नहीं कहूँ इसको, हरियाणा के इतिहास का सबसे खूनी चुनाव, खूनी चुनाव जी। तो चुनाव आ गया मैम का। तो चुनाव के बाद में ये जिक्र चला ना भी मैम से चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने पहले ही भाप लिया था। मैंने कहा यहाँ तो गड़बड़ होगी, चुनाव नहीं हो पाएगा, हार भी सकते हैं। तो मैं महंता से बात की, जो उनके राइस मेमोर भी रहते, एडवोकेट जनरल थे सरसा से, काफ़ी क्लोज फैमिली थी। उनका महंता जी का बेटा बाद में हाईकोर्ट का जज भी रिटायर हुआ है, आशुतोष महंता। हम दोनों आपस में बतलाए, मुझे चुनाव साहब गलत कर रहे हैं। हमारी दोनों में सलाह थी कि दड़बा से जगदीश जी की वाइफ थी वहाँ MLA, उसको इस्तीफा दिला दें और वहाँ उपचुनाव लड़ लें, सीट खाली बजाय मैम के। तो हमने समझाया कमरा बंद करके। बोले क्यों मेरे साथ लड़ोगे के? उन्होंने जी आपको बात करनी है और आप सुन लो आराम से, सुनाओ। खड़े थे, मैं खड़े कौन बैठ जाओ, बिठा दिया। जिक्र है मुझको आप चुनाव का, असेंबली का, आप लड़ना चाहते हो महम से, ऐसी गलती ना करो आप। क्यों भाई दमा पड़े, क्यों नहीं करो, गलती थोड़ी है, और कौन सीट खाली है? मैंने कहा दड़बा खाली करा दो, अपनी सीट है, आराम से वन साइडेड आओगे आप। बिल्कुल, मतलब पढ़े लिखे लोग जो है ना बहुत कमज़ोर होते हैं। उन्होंने ऐसा आपके बारे में? हमारे मेरे मोहनता के बारे में मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं, जबकि मोहनता तो उनका बूजम फ्रेंड था शुरू से। एज में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन दोस्त थे शुरू के, पुराने दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। मतलब कई बार तो उनके घर खाना जानबूझ के जाया करते, खाना खाते थे। लेकिन उस दिन का थर दोनों दिमाग खराब हो रहे हैं। हालांकि मेरे हमदर्द हो दोनों तुम, लेकिन तुम सोचते नहीं हो क्या कितनी बेइज्जती होगी, मैं जो सीट खाली पड़ी है उसको छोड़कर मैं नई सीट पर जाऊंगा। मैं तो सुन लो जी आप। बोले क्या? वो चौधरी बंसी लाल जी 86 में चीफ मिनिस्टर बने थे, बारडा खाली थी उस टाइम, खाली थी। बोले फिर क्या हो गया? बारडा चुनाव नहीं लड़ा, तो शाम से सुरेंद्र को इस्तीफा दिला कर वहाँ से चुनाव लड़ा। बोले वो तो कायर था, इतना पढ़ा लिखा था। मैं कायर का लाऊं, मुझे कायर था इसमें कुछ नहीं पड़ा है, आप लड़ लो। नहीं जाओ, बेकार की बातें करते हो। महम कांड रोका जा सकता था, तो फिर वो नहीं माने, नहीं चुनाव लड़ लिया महम से। चलो हमने जो कोशिश करी ठीक है, अच्छी कोशिश रही थी, हमने माहौल बना दिया था, सबने मेहनत कर आगे वहाँ। तो क्योंकि उससे पहले चौधरी देवीलाल मैम से चुनाव लड़ चुके थे, चीफ मिनिस्टर बने जब, लेकिन उससे पहले भी लड़े थे, पहले भी लड़े थे। चौधरी देवीलाल जी से नहीं बात की गई कि चुनाव? चौधरी देवीलाल जी अगर उनके आपस में कोई बात हुई, हमारी बात नहीं हुई थी। अच्छा, आपके चुनाव के बारे में नहीं बात हो पाई थी। हमने सीधा इन्हों कहा, क्योंकि वो तो ये तो उस टाइम हमारी राय को मानते थे, लेकिन वो उस दिन उस बात को टाल दिया। मैं बिल्कुल ये कह गए तुम कमज़ोर लोग हो, राजनीति के बारे में तुम्हें क्या पता जी, ठीक है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है। बोला नहीं नहीं तुम कमज़ोर की बातें करते हो, चुनाव लड़ेंगे, चलो ठीक है लड़ लेंगे जी। तो उस टाइम क्या हुआ कि आनंद सिंह डांगी ने फार्म भर दिया, लास्ट तक हम कोशिश करते रहे कि नाम वापस करा दें इसका, और चौधरी साहब से बात करी। अल्टीमेटली डांगी को पंचायत लेके आई रेस्ट हाउस में करनाल, नहीं सर रोहतक भाई, आप एक बार कह दोगे तो नाम वापस करा दें। देखो कितने अड़ियल थे। मैं नहीं कहूँ इसको, हरियाणा भवन दिल्ली की तो बात नहीं, नहीं दिल्ली की नहीं। आनंद सिंह दांगी जी ने कहा पंचायत मिलने गई थी, नहीं वो नहीं, रोहतक की और मिले नहीं थे ऐसा कुछ, रोहतक की बात जी है नहीं। भिल्लो जी और लोगों ने भी कोशिश करी काफी, उस दिन नहीं माने तो लोगों में भाई से गुस्सा हो गया, बोले इसको तो बहुत घमंड हो गया भाई, घमंड हो गया, हर पर गलती आप करते जा रहे हो, उस एरिया का आपको सपोर्ट चाहिए। उससे फिर वो आनंद सिंह डांगी ने फार्म भर दिया और वो चुनाव लड़ने लगे। चुनाव लड़ने लगे तो चुनाव वाले दिन जो है ना, 2-3 लोगों ने कई जगह गड़बड़ियाँ कराई थी, हालांकि कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं थी, वो चुनाव हम जीते हुए थे। मैं ये नहीं कोई भी आनंद सिंह डांगी जीता तो कंपटीशन था, लेकिन चुनाव कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई जगह गड़बड़ी कराई, रोड़ा रब्जा हो गया। तो रात का टाइम आज मैं बोला जी मैं फिर चंडीगढ़ जाता हूँ, चुनाव तो हो ही गया। बोले तो रुक जाएगा एक बार, ये इलेक्शन कमीशन वाले भी रुके हुए हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ से जो है ना वो आएगी भी, कोई वो इलेक्शन फाइनल दोबारा कराना है क्या कुछ पर, तो बाद में रिपोर्ट आ गई वहाँ से भी 7 बूथों पर दोबारा कराना है। तो मुझे कहने लगे कब कराएं चुनाव, ये वही 3-4 दिन गैप दे दो, गैप दे क्या करें, कल सवेरे रात काटो ना। मुझे पुलिस भी थकी हुई है, पुलिस भी बागी हो रही है, बरसात भी आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, आज सारे दिन के पुलिस वाले तंग हैं, दुखी हैं। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टास्क थी है। मैंने कहा चोर साहब पुलिस वाले, मैंने तो तेरे मिनिस्ट्री को तुम कमजोरी दिखावा है, वो कमजोरी नहीं दिखाता, आपको माइंड पढ़ना पड़ेगा उनको। आज सारी पुलिस खिलाफ है हमारे, मैंने तो तेरी पुलिस की कमजोरी की वजह से चुनाव को 3-4 दिन, मैंने कहा टाइम मिल जाता। आज तक कोई भी बूथ पर चुनाव जो हुआ है ना दोबारा जो हुआ है सेकंड डे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप इतिहास उठा लो, गैप एक हफ्ता है, इतिहास बनाना है। अच्छा जीत पे अड़ गए, वो अड़ गए, मुझे वो थोड़ा है गलत वही हुआ, अगले दिन करा देंगे कराना। तो ये मास्टर सिंह वगैरह और इस तरह के लोग थे, ये कोई बूथों पर वो अपने एजेंट के लिए नाम देने गए, तब भी मैंने मना कर दिया। भाई चुनाव हम जीते हुए, ये 7 बूथों चाहे एक तरफा चुनाव जाना तो जीते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंसिम फिर वो अफवाहें फैल गई, भाई अभय आ गया, फलाना आ गया, टिकड़ा आ गया, उस तरह की बातें चल गई। हालांकि अभय नहीं गया था, एक्चुअल में गए नहीं थे वहाँ ना, एक्चुअल नहीं गया था, ये मास्टर सिंह वगैरह ये कागज दे के आए थे। तो वो जो एसपी हमारा था ना वो बावड़ा आदमी था, तो मेरा नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका। नहीं इस तरह की सर बातें प्रोफेसर साहब कही गई कि अभय चौटाला ने वहाँ गोली भी चलाई, नहीं नहीं, और जब वो वहाँ से निकल के गए एक पुलिस वाले ने कहानी बनाई गई थी, इस तरह की कहानियां। और आनंद सिंह दांगी की तरफ से ये बातें कही गई, वो देखो कहानी उनकी मर्जी है कुछ बना लो जी, लेकिन वो बात नहीं थी। हाँ ये एजेंट वगैरह फार्म वगैरह देने के लिए तो गए थे, और लोग ऑलरेडी इतने गुस्सा नाराजगी में थे कि वो किसी सूरत में कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सारी महम में एक लोगों में ये 5-7-10 बूथों पर जो हुआ ना, इससे लेके बहुत जबरदस्त नाराजगी, गुस्सा था, जबरदस्त था। तो उस गुस्से की वजह से जो है ना लोग लाठियाँ जड़ियाँ लेके निकल गए थे सारे, पुलिस सामने सामने, पुलिस सामने सामने, और लोग मुँह भैंसी में मारे गए और मर गए, एक किस्म का सारा ही गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ होने से वो चुनाव जो है फिर काउंटर माइंड हो गया, और काउंटर माइंडर होते ही और चौटाला साहब को पार्टी की तरफ से मैसेज आगे इस्तीफा दे दो। हाँ ऊपर से बोला गया कि इस्तीफा। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, थोड़ा बहुत खटपट चौ देवलाल जी वीपी सिंह शुरू हो ही गई थी उस टाइम, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया। फिर चुनाव की बात आई तो उनकी जगह पराग सास गुप्ता को बढ़ा दिया, वो बाई वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी बन गए थे, बन गए आराम से बन गए, ठीक है। फिर ये इलेक्शन दोबारा लड़ा गया तो मैम और दड़बा चुनाव लड़ा जी, देखो वापस वहीं आ गए दोबारा फिर। तो दड़बा जो चुनाव लड़ा गया ना, उस चुनाव में जीत गए।